कोविड-19 या कोरोना वायरस एक ऐसी अबूझ महामारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक इस वायरस को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। हालांकि आम जनता को घर के अंदर ही रहने का निर्देश दिया गया है, फिर भी आवश्यक सेवाओं के संचालन को रोका नहीं जा सकता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये अभी आवश्यक सेवाएं बिना ब्रेक के काम करती रहें, बिजली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये घर के अंदर रहने के लिए मजबूर लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है और कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई में हमारे जज्बे को बढ़ाती है। दिल्ली को बिना रुकावट भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हजारों BSES कर्मचारी निस्वार्थ अथक प्रयास कर रहे हैं। ये है BSES विद्युत योद्धा। 24 घंटे काम करने वाली ये वीर टीम दिल्ली को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रही है। BSES ने इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ कर्मचारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि राजधानी में बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए, उसके लिए BSES ने विशेष उपाय किए हैं। पावर शेड्यूलिंग और सिस्टम ऑपरेशंस के लिए स्काडा सिस्टम का बैकअप आपात उपाय के रूप में वैकल्पिक स्थानों पर भी स्थापित किया गया है। BSES अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटरों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसने अपने विभिन्न सब स्टेशन भवनों में फील्ड स्तर के कर्मचारियों के लिए आवास और भोजन के आपात प्रावधान भी किए हैं। लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बनाने में BSES अपनी भूमिका निभा रही है। इसने अपने उपभोक्ताओं को अपने बिजली आपूर्तिकर्ता से जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान की है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विकल्पों की सूची में से चुनकर उपभोक्ता अपने घरों से ही BSES तक पहुंच सकते हैं। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए व सरकार के उपायों का समर्थन करने के लिए BSES ने अपनी कुछ सेवाओं को बंद कर दिया है। ये नए कनेक्शन के लिए दी गई एप्लीकेशंस को रजिस्टर्ड नहीं कर रही है और बिलों को व्यक्तिगत रूप से बांटने तथा मीटर रीडिंग को अगली सूचना मिलने तक रोक दिया गया है। इस अवधि के दौरान DERC के निर्धारित मानदंडों के आधार पर उपभोक्ताओं को अस्थायी बिल दिए जाएंगे। उपभोक्ता अपने बिजली के उपयोग की स्वयं मीटर रीडिंग भी कर सकते हैं। BSES के लिए अभी प्राथमिकता नो करंट और सुरक्षा संबंधी शिकायतों को देखना है। जिस प्रकार BSES विद्युत योद्धा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी तरह BSES भी उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। BSES ने अपने कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए घर से काम करने की सुविधा और दूसरों के लिए एक रोस्टर सिस्टम शुरू किया है। इसने अपने सभी कार्यालयों में थर्मल जांच करना भी शुरू कर दिया है। BSES के सभी कर्मचारियों के पास सैनिटाइजर और मास्क की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी BSES वाहनों और कार्यालयों को भी नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। डॉक्टरों और इन हाउस डिस्पेंसरियों का एक पूल भी है। ये सभी डॉक्टर कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श देने के लिए उपलब्ध हैं। यदि आवश्यकता हुई तो BSES डॉक्टर आपात व्यवस्था के लिए अन्य अस्पतालों के साथ भी संपर्क में हैं। ये सभी योद्धा वायरस से लड़ते हुए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। बिजली के संचालन में कोई बाधा ना आए और इसके नागरिक सुरक्षित रहें, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। सच में ये BSES के साहसी विद्युत योद्धा हैं।